झारखंड में हेमंत सरकार को अस्थिर करने के प्रयास को लेकर तीन लोगों की गिरफ्तारी और आरोपों के बीच श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दावा किया है कि हेमंत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास सफल होने वाला नहीं है। मुखर संवाद से खास बातचीत में सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हेमंत सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास योजनाओं के लिए कार्य करेगी। झारखंड में सियासी तूफान चरम पर है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलचलों को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं सहमी हुई है। ऐसे में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये सरकार को लेकर लगातार सियासत चल रही है और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, कहा जा रहा है, आप लोग मानते हैं कि सरकार अस्थिर हो सकती है? देखिए, झारखंड में पहली बार जनता ने मैंडेट दिया है और ये एक तिहाई नहीं तीन तिहाई की बहुमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और तरह तरह की बातें सुनते हैं लेकिन कहीं को सच्चाई नहीं है। सरकार एकदम अस्थिर है, मजबूती के साथ 5 साल नहीं 10 साल तो सरकार खींचेगी। कार्यकाल पूरा करने के बाद भी चुनाव होगा तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। जो ये अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और अस्थिरता की बात कही जा रही है, इसमें आप लोग क्या मानते हैं, इससे चिंतित हैं आप लोग? ये तो जो बातें आ रही सामने, ये तो समझे ड्रामा हो रहा है। कहीं कहीं कुछ बात है, कुछ विधायकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, अब ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप आ जाइए तो एक लस बात हुआ है तो आप आइए तो पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ब्लैकमेल विधायकों किया जा रहा है और हकीकत जमीन में कुछ नहीं है और सरकार के कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गठबंधन के हमारे माननीय विधायक माननीय मंत्री सब एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। इससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है क्योंकि सरकार जो होती है, अधिकारी जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि अस्थिर सरकार में वो कम काम करेंगे और उनकी संवेदनशीलता जो है वो कम दिखाई देती है। देखिए, राज्य की जनता भी जान रही है और राज्य के पदाधिकारी भी सब जान रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार कोई हिलने डोलने वाली नहीं सरकार है, ये मजबूत सरकार है और 5 बरस पूरा मजबूती के साथ चलेगी और आने वाला भी जो समय होगा वो महागठबंधन के ही होगा। ये बाबूलाल जी कह रहे हैं कि पुलिस जो है गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है, आप लोगों को लगता है कि पुलिस का हस्तक्षेप ज़्यादा है इसमें? देखिए, प्रशासन का अपना काम है, चाहे छोटी घटना हो बड़ी घटना हो चाहे किसी तरह का बात हो तो प्रशासन को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और हकीकत क्या है वो तो अनुसंधान होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन प्रशासन के चाहे छोटा लड़ाई हो बड़ा लड़ाई हो या कोई को दिग्भ्रमित कर रहा हो तो पुलिस को तो हर बात पर एक्शन लेना जरूरी है। ये आप लोगों को लगता है कि राजनीति का जो स्तर है, जो राजनीति लंबे समय से आप तीसरी बार मंत्री भी बने हैं, राजनीति का स्तर नीचे गिरा है क्योंकि तरबूजा बेचने वाला और जो फल बेचने वाला दिहाड़ी मजदूर करने वाला अब सत्ता की विधायकों को खरीद फरोख्त की काम कर रहा है? देखिए, कभी कभी एक चींटी भी जो है ना वो हाथी को बस कर देता है। अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी परेशान हो जाएगा। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सच्चाई क्या है वो जांच करने के बाद सब सामने आ जाएगा। सच्चाई जांच के बाद आएगी और अनुसंधान पुलिस का फिलहाल चल रहा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राज्य के जो मंत्री हैं उनको विश्वास है कि हेमंत सोरेन सरकार स्थिर सरकार है और ऐसे में आने वाले किसी भी चाल को वो नाकाम करने की काबिलियत रखते हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।